नमस्कार, मेरठ से हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र राणा और आज के हमारे गेस्ट हैं सरदना विधायक ठाकुर संगीत सोम। आप जानते ही हैं हमारे इस कार्यक्रम में विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र की या राज्य की समस्याओं पर हमारे जागरूक पाठकों से फोन और फेसबुक के जरिए सीधे रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ इसी कड़ी में सरधना विधायक ठाकुर संगीत सोम हमारे साथ हैं, जो अगले एक घंटा फेसबुक पर लाइव रहेंगे। सोम जी, आज का पहला सवाल लेते हैं। नवीन प्रधान जानना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हेलो नवीन जी, विधायक जी लाइन पर हैं। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूं विधायक जी, आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। धन्यवाद। मेरा नाम नवीन प्रधान है, मैं ग्राम दरसोना है, आप ही के क्षेत्र में यहाँ रहता हूँ। मेरा एक निवेदन भी है और सवाल भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप तो घूमते ही आपने देखा होगी नवयुवकों बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से भी स्थिति और लगातार ध्यान की होती जा रही है, तो क्या इस क्षेत्र में आपका भी प्लानिंग है कि किस तरह से गांव के युवाओं को रोजगार दिया जा सके? देखो नवीन जी, मेरा मानना ऐसा है कि पिछले 10 से 15 सालों में यूपी में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है ना, कोई इंडस्ट्री यूपी में डेवलप नहीं हो पाई। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, व्यापारी को सुरक्षित महसूस करेगा, तो वो यूपी में इंडस्ट्री डेवलप करेगा। जब यूपी में इंडस्ट्री डेवलप होगी, मेरा प्रायोरिटी का काम है ये। मैं अभी आपसे पहले आपका तो फोन अब आया, मैं वार्ता भी इस पे कर रहा था कि जब यूपी में इंडस्ट्री डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं अपना सरधना क्षेत्र में इसे प्रायोरिटी पे रखूंगा कि अपने क्षेत्र को उद्योग, अपनी सरधना विधानसभा का क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित करा के उसमें इंडस्ट्री डेवलप कराई जाए, जिससे नवयुवकों को रोजगार मिले। आप निश्चित रहिए, आप निश्चित रहिए। धन्यवाद। फोन लाइन पर हैं रसूलपुर धोल्डी से नदीम। नदीम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो नमस्कार नदीम जी। जी आप, आपके यहाँ से मैं एक जानकारी चाहता हूँ, कौन जनप्रतिनिधि कौन है आपके यहाँ? अच्छा, सत्वाई वाले हैं। आप निश्चित रहिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिले, ये प्रायोरिटी का काम है। और आपके यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, आप अपने विधायक जी को भी लिख के दीजिए और एक हो सकता है मुझे लिख के दीजिए, हम इसकी व्यवस्था कराएंगे। चूंकि हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि हर युवा को, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सुलभ हो, सस्ती हो, ये प्रायोरिटी का काम है, मोदी सरकार इसे करेगी। आप ये लिख के दे दीजिए। डग्गामार कहां से कहां चल रही है? आप निश्चित रहिए कोई डग्गामार नहीं चलेगी, आप निश्चित रहिए डग्गामार कोई नहीं चलेगी, कोई डग्गामार नहीं चलेगी। ये आप लिख के दीजिए या मेरी मेल आईडी पे भेज दीजिए, डग्गामार कोई नहीं चलेगा। मेरठ से हरीश बाबा जानना चाहते हैं कि भाजपा इतने भारी बहुमत से कैसे जीती? आप भी जानते हैं कि भाजपा इतने भारी बहुमत से कैसे जीती। पिछले 15 साल से जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा था, सब लोग देख रहे थे। और अब नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इन पार्टियों से त्रस्त थी और उन्हीं की नीतियों से त्रस्त आके इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। इसका और कोई कारण नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की जनता का। शान मोहम्मद कांच का पुल से पूछना चाहते हैं कि खुले में अब भी कई जगह मीट बेचा जा रहा है, इस पर कब रोक लगेगी? जो भी खुले में मीट अगर कहीं बिक रहा है, किस क्षेत्र में, आप मुझे अगर पर्टिकुलरली बता देंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और जो इस तरीके का अवैध काम करेगा वो जेल भी जाएगा, कार्रवाई भी होगी, दोनों काम होंगे। शुभम जी पूछिए सवाल। शुभम बात कर रहा हूँ,
यहाँ जैसे काम रुका हुआ है, रखते कुछ नहीं है, बहुत ही कर दी है दिल्ली से शामली जाने की, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है। आपको हाँ मुझे मुझे पता है सोम जी, मुझे पता है कि पिछली सरकार में इसमें 7 करोड़ 8 करोड़ का जो घोटाला अभी टीवीओ पर चल रहा था वो इसी सड़क का हुआ था। इसमें 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 जांच चल रही है और 2-3 महीने में जांच पूरी हो जाएगी। ये 100% सरकार की प्रायोरिटी का रोड है, क्योंकि ये चुनाव में हमारे लिए मुद्दा भी था, इसलिए ये सड़क आपकी तुरंत बनेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। अनुभव जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनुभव जी, जय श्री राम जी। देवी मंदिर, अच्छा पानी निकासी की समस्या है। आप ये बताओ अभी अभी क्षेत्रीय जो विधायक है उनसे मिले आप? नहीं मिले। आपके आपके क्षेत्रीय विधायक खुर्जा को मैं आज ही उनसे बात कर लूंगा। आप एक बार कल उन्हें लिख के दो इस पे, ये आपके पानी की निकासी की व्यवस्था होगी, उन्हें कल लिख के दो। आप जागरूक पाठकों से हमारी अपील है कि क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े सवाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि समाधान हो सके। फतेहपुर से प्रदीप सिंह जी सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी पूछिए सवाल। नमस्कार प्रदीप जी। आप निश्चित रहो, इस्लामिक कंट्री कोई हिंदुस्तान को नहीं बना पाएगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। और आप किसी भी कीमत पर अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, मेरा नंबर ले लो, डायरेक्ट मुझसे बात किया। हमारे जागरूक पाठक फेसबुक के जरिए भी लगातार सवाल कर रहे हैं। एक सवाल आया विवेक अधाना का, जानना चाहते हैं कि मेरठ ने 6 विधायक दिए हैं, संगीत सोम को मंत्री क्यों नहीं बनाया? अब ये सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं बनाए गए, धीरे धीरे सब बन जाएंगे, आप चिंता मत करो। और मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे काम बताया। सहारनपुर से सचिन फोन लाइन पर है। सचिन जी पूछिए सवाल। नमस्कार सचिन जी। कौन से गांव में? चालाकपुर। एक मिनट, चालाकपुर, और आपकी तहसील कौन सी पड़ती है? सहारनपुर आपकी तहसील पड़ती है। आप सहारनपुर, अपना नाम बताओ। साकिब। साकिब कल अपने एसडीएम से मिलना, मेरा नाम लेके मिलना, मैं एसडीएम को आपके को फोन करूंगा, आपका आपकी समस्या का समाधान होगा। कल एप्लीकेशन लेके एसडीएम से मिल लेना। धन्यवाद। आजाद कुमार जायसवाल जोहरी घाट से सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए आजाद जी। हाँ नमस्कार आजाद जी। अच्छा आप निश्चित रहो, मैं चौहान जी से बात करूंगा, वो समस्या का समाधान करेंगे, मंत्री जी हैं, समाधान करेंगे। कोई दिक्कत होगी आप मुझसे बात कर लिया करो और मैं उनसे भी कह दूंगा, ठीक है? ठीक, धन्यवाद। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विधायक जी, खिरवा से आलिम फेसबुक पर सवाल कर रहे हैं कि डेयरियों की वजह से जो गंदगी है वो कब दूर होगी? आप कहां की डेयरी की बात कर रहे हैं? अगर सरदना की डेयरी की बात कर रहे हैं तो 3 महीने में उनका समाधान हो जाएगा। आपको पता है कि 50% तो मैं पीछे ही करा चुका, जो 50% बचा है वो बहुत जल्दी उसका समाधान होने जा रहा है और 3 महीने में उनका समाधान हो जाएगा, सड़कों पर गंदगी नहीं मिलेगी। मुरादनगर से हरीश फोन लाइन पर है। हरीश जी पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार हरीश जी। नमस्ते जी। हरी जी,
आप देखो शुरू हो जाएगा, अभी 1,00,000 पुलिस के सिपाहियों की भी भर्ती हो रही है जो निष्पक्ष होगी। अब ऐसा नहीं होगा जैसे पहले भर्ती हो जाती थी घर में बैठ के, अब युवाओं को रोजगार मिलेगा और बाकी विभागों में भी बहुत जल्दी वैकेंसी आ रही है और रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और प्राइवेट रोजगार भी बहुत जल्दी व्यवस्था करी जा रही है। थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। गुजरात से प्रवीण भदौरिया लाइन पर हैं। प्रवीण जी पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार भैया जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप कह रहे हैं कि गुजरात में दो ही चेहरे योगी और संगीत सोम प्रसिद्ध रहते, चलो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जागरूक पाठकों से हमारी अपील है कि वो सरगना क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सवाल करें ताकि विधायक जी समाधान कर सकें। लगातार फेसबुक पर, फोन लाइन पर हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं। एक जागरूक पाठक खेड़ा से सचिन जानना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की कब तक होगी, फेसबुक पर सवाल पूछा है। सचिन खेड़ा को तो पूछना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम तरक्की होने जा रही है और हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पूरे खेड़ा और पूरी चौबीसी और पूरी सरधना विधानसभा में बसों की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। एसी बसें चलवा रहा हूं और रोड बहुत अच्छी बनवा रहे हैं। आप निश्चित रहो बहुत जल्दी होगा। लावण से वैभव फोन पर हैं। वैभव सवाल पूछिए अपना। नमस्कार वैभव जी। नमस्कार वैभव जी। नमस्ते भैया। क्या क्या दिक्कत आ रही है? आज आज शाम को टाइमिंग 100% सही हो जाएगी, ये सरधना विधानसभा निश्चित है। जय श्री राम। संभव से शत्रुघ्न सवाल करना चाहते हैं। शत्रुघ्न जी पूछिए सवाल। नमस्ते भैया जी। आप जानकारी करिए, उसकी जांच शुरू हो गई है। 3 दिन पहले उसकी जांच शुरू हो गई है और जी राजकिशोर जो थे मुझे पता है, तो आप लोगों ने मुझे पहले भी बताया था, आप लोगों ने मुझे पहले ही बताया था, पता करिए। 3 दिन पहले जांच शुरू हो गई है और इसमें कमेटी बनाकर जांच शुरू हुई है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। टांडा से इंद्रपाल सिंह फोन लाइन पर हैं। इंद्रपाल जी पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार इंद्रपाल जी, संगीत सोम बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया। वो अतुल प्रधान जी ने पूरे क्षेत्र में कराया कि बोर्ड लगाए, सड़क नहीं बनी है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके विधायक और आपकी सरकार है, अब सड़क बनेगी, उनके बोर्ड को छोड़ दो आप। ये तो बहुत जरूरी है, मेरी प्रायोरिटी का काम है, विधानसभा में उठाऊंगा, निश्चित रहिए ये बहुत जल्दी होना चाहिए। और जनसंख्या वृद्धि अगर रोक नहीं लगेगी तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा और हम सबके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान तरक्की करे, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर काम करेगा। कानपुर देहात से पंकज शुक्ला सवाल करना चाहते हैं। पंकज जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंकज जी। दोबारा बताओ, दोबारा बताओ कहाँ था तालाब? आप एक काम करो मेरी मेल आईडी लो जरा, संगीत सोम वन अल्फाबेटिकल वाला एक वन @gmail.com, इस पे इसे लिख के भेज दो, इसका समाधान मैं कराता। हाँ आज का पेपर आपने पढ़ा?
इस पर कमेटी बना दी गई है और जहां जहां राशन विक्रेता गड़बड़ करे पूरे उत्तर प्रदेश में उसमें सुधार किया जाएगा। देखो मेरी 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 बात सुनो, अभी चार पांच दिन पहले मेरी खाद रसद मंत्री जी से बैठ के बात हुई है, उत्तर प्रदेश में अभियान चला के ये सारी व्यवस्था सुधरे, इस पर काम किया जाएगा। 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए आप इसमें। ठीक दंग आप निश्चित समझो, 2 से 3 महीने में ये व्यवस्था सुधरेगी। ग्रेटर नोएडा से पवन भाटी फोन लाइन पर है। पवन जी पूछिए सवाल। नमस्कार पवन जी। नमस्कार पवन जी। नमस्कार सर, कौन सी रोड की? आपने विधायक जी को लिख के दिया? आपके यहाँ तेजपाल जी विधायक हैं, आप उनसे मिले? आप उनसे लिख के दे दीजिए, नहीं तो एक बार मुझे लिख के दे दीजिए, मैं आपकी सड़क बनवा दूंगा। आप कभी भी मिल सकते हैं, 24 तारीख को गाजियाबाद में मिल सकते हैं, बाकी मेरठ कभी भी मिल सकते हैं। फेसबुक पर अक्षरधाम कॉलोनी के विनोद कुमार सवाल पूछते हैं कि उन्हें तहसील से जुड़े कामों के लिए सरधना जाना पड़ता है, क्या तहसील के अधिकारी सरधना में कैंप लगा सकते, सरधना तहसील के अधिकारी यहाँ शहर की कॉलोनियों में कैंप लगा सकते हैं? मेरे ख्याल से अक्षरधाम कॉलोनी से तो नजदीक है सरधना, और फिर भी अगर विशेष समस्या है कोई है तो मैं स्पेशली अगर आप बताएंगे तो कैंप लगवा दूंगा। आप लोग अपनी समस्या एक दिन मुझे बता दो, जिस दिन आप चाहते हैं मैं कैंप लगवा दूंगा अधिकारी। अमेठी से ब्रजेश फोन लाइन पर है। ब्रजेश जी पूछिए सवाल। नमस्कार ब्रजेश जी। जी कौन सी सड़क है? नहीं, सड़क का नाम बताओ, कहां से कहां तक है? एक मिनट, लक्ष्मीपुर चौराहे से गांव दौलतपुर तक, आप अपना नंबर बता दो। 8447268426848 मेरे ऑफिस से आपको एक नीलेश नाम का लड़का फोन करेगा, वो आपसे बात करेगा, उसे डिटेल दिवाना, आपकी सड़क बन जाएगी। मैं पासी जी से खुद बात कर लूंगा और मेरे ऑफिस से आपको इसी नंबर पर फोन आएगा। फेसबुक पर एक सवाल आया है, उससे पहले हम मेरठ कैंट के अयूब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अयूब जी पूछिए अपना सवाल। हाँ बताओ अयूब जी। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते भैया। अच्छा आपने फॉर्म भरा? आप कहाँ रहते हैं? कैंट के विधायक जी से मिले आप? नहीं सर, अभी मैं नहीं मिल पाया उनसे। आप विधायक जी से मिलो, और आपने मुझे बता दिया, मैं विधायक जी से आज ही बात कर लूंगा। आपका नाम अयूब है ना? आपके पिताजी का नाम? आयुष वत्स। तो आप ऐसा है ना, आप विधायक जी से मिल लो, नहीं तो मुझसे मिल लेना 7RA लाइन कैंट में, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे आप निश्चित रहो आयुष, आप मिलो और 100% आपका काम करूंगा। राजस्थान से संपत फोन लाइन पर है। संपत जी पूछिए सवाल। नमस्कार संपत जी। अच्छा चल, धन्यवाद। फेसबुक पर लगातार हमारे जागरूक पाठक सवाल कर रहे हैं,
विधायक जी, फेसबुक पर एक सवाल आया, अनिल कुमार जानना चाहते हैं कि मेरठ से सरधना के बीच सड़कों के गड्ढे कब तक खत्म होंगे? कौन सी सड़क पर गड्ढा है एक बताएं मुझे, एक सड़क पर कोई सी पर गड्ढा बताएं, जो बता देंगे कल तक हो जाएगा। ठीक, फेसबुक पर ही मेरठ से प्रदीप सिंह सवाल करते हैं कि गोरक्षा के लिए ठोस उपाय कब तक होंगे? 2 महीने में, अभी काम चल रहा है उस पर, लेकिन 2 महीने में ऐसा अंजाम हो जाएगा कि गायक की रक्षा के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। गायक काटना तो दूर, गाय की पूछ के कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। फेसबुक पर ही प्रदीप सिंह सवाल करते हैं कि सरकार स्कूलों की दशा सुधारने के लिए क्या कर रही है? विशेष अभियान चला के कमेटी बनी है और कमेटी के अध्यक्ष एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्हें बनाया गया है। स्कूलों की जो दुर्दशा है उस पर विशेष अभियान चला के काम किया जा रहा है। आपको 6 महीने में, निश्चित मान लीजिएगा, 6 महीने में आपको स्कूल में सुधार लगने लगेगा। जयपुर से देवेंद्र फोन लाइन पर है, देवेंद्र पूछिए अपना सवाल। नमस्कार देवेंद्र जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, और आप मुझसे टच में रहो और मैं विधायकों से बात तो जरूर करूंगा, वो टच में रहेंगे। मैं बहुत जल्दी मैं राजस्थान आ भी रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं फेसबुक के जरिए बताऊंगा, तो आप लोग मिलना मुझसे। धन्यवाद। जागरूक पाठकों से हमारी अपील है कि क्षेत्रीय समस्याओं से सवाल, समस्या नहीं है ना। बरेली से सतीश चौधरी सवाल करना चाहते हैं। सतीश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सतीश जी। नमस्कार सर, मैं आपसे यूपी पुलिस में अप्लाई किया था सर, मध्य भारत सर, सपा सरकार ने अत्याचार किया, तभी तो उत्तर प्रदेश से चली गई। अब आपके साथ अत्याचार नहीं होगा, अभी एक लाख सिपाहियों की भर्ती निकलेगी, आप इसमें अप्लाई करना। आप ऐसा करो, एक दिन मुझे मिलके ये मुझे लिख के बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, धन्यवाद। दिल्ली से विकास मित्तल लाइन पर है, विकास जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार विकास जी। जी गुड आफ्टरनून। बोलो भैया। आप कभी भी मिल लो, मैं मेरठ मिलूंगा, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ, जब आपका मन करे आ जाओ। अरे आप अकेले आ जाओ, किसी को साथ लेकर आने की जरूरत नहीं। मेरठ कैंट में 7 RA लाइन। राजस्थान से अनिल चौधरी लाइन पर है, अनिल जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अनिल जी। आप निश्चित रहिए, वो बहुत मजबूत रहेगा। एंटी डोमियो स्क्वाड जो बना बहुत मजबूती से काम करेगा। ये सरकार की प्रायोरिटी का काम है और सरकार की प्रायोरिटी का कोई भी काम कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई कह रहा है कमजोर पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है, निश्चित समझिए बहुत मजबूती से काम होगा। अब ये सवाल मेरे लिए ठीक नहीं है, इसे ये बड़े लेवल का सवाल है, उधर ही आप। एक बार मुझसे मिलकर बात कर लीजिएगा या मुझे मेल पे मेरी पे बात कर लीजिएगा। मैं राजस्थान आऊंगा, बहुत जल्दी आ रहा हूं और मैं आप लोगों को लिख दूंगा, मैं लिखूंगा फेसबुक पे, तो आप मुझसे मिल लेना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
फेसबुक के जरिए सीपी पाठक सवाल करते हैं, क्या यूपीएससी की सीबीआई जांच होगी? पक्का होगी, उसमें कमेटी बना दी है, ये जांच कमेटी बना दी है, उसमें जांच शुरू हो रही है और उसकी सीबीआई जांच भी होगी। मुझे मुख्यमंत्री से इस पर मेरी खुद बात हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी सीबीआई जांच होगी। फेसबुक पर ही लोकेश वर्सेस सवाल करते हैं, अलीगढ़ जिले में चंदोस से डाबर रेलवे स्टेशन के बीच शिव मंदिर का रास्ता नहीं है, कब तक रास्ता बन पाएगा? आप भैया इसे मुझे लिख के दे दीजिए, आप अपने क्षेत्रीय विधायक जी को लिख के दे दीजिए, जिस दिन आप लिख के देंगे उसके 3 महीने के अंदर आपका रास्ता बन जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। हमारे जागरूक पाठकों ने बोलिए विधायक जी कार्यक्रम में सवालों की बौछार की, विधायक जी हमारे बुलावे पर हिंदुस्तान कार्यालय आए, सवालों के जवाब दिए, सवालों का ये अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा, विधायक जी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम फिर हाजिर होंगे एक और जनप्रतिनिधि के साथ, livehindustan.com देखते रहिए। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी शुरुआत आप लोगों ने करी है और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ साधना विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई स्टेटों से लोगों ने सवाल पूछे, सभी उन भैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सवाल पूछा और बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान का कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत की, बहुत बहुत धन्यवाद।